हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डुप्लीकेट वोटर आईडी क्या होती है और इसे कैसे डाउनलोड करते हैं, और इसके साथ ही आप जानेंगे कि अगर आपने वोटर आईडी बनाने को दिया हुआ है लेकिन आपको अभी तक नहीं मिला है तो उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इसे अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रोज नए नए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो इसलिए हमारा चैनल अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो में कहीं पे मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया होता है लेकिन बहुत टाइम बीतने के बाद भी हमें हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल पाता। ऐसे में हम डुप्लीकेट वोटर आईडी से ओरिजिनल वोटर आईडी ले सकते हैं, और ये डुप्लीकेट वोटर आईडी हम अपने घर पर ही ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोलना है और उसमें सर्च करना है electoralsearch.in। ये एक वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इसे आपने खोल लेना है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से इस वेबसाइट में जा सकते हैं। तो जैसे ही इस वेबसाइट में आते हैं तो यहाँ पे ये बोलता है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल में आपका स्वागत है। इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है इसे। तो यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स मांगी हुई है, इसे फिल करने के बाद आपको आपका डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं। नाम और फादर्स नेम भरने के बाद यहाँ पे देखिए आपको उम्र भरनी है, तो जो भी आपकी उम्र है आप उसे भर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो भी भर सकते हैं। तो चलिए मैं सीधे उम्र भर लेता हूँ क्योंकि ये जल्दी से हो जाएगा। इसके बाद मुझे अपना स्टेट यानी राज्य चुनना है, तो राज्य है उत्तराखंड। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल। इसके बाद मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुननी है, जहाँ पर भी मैं वोट देता हूँ तो जो भी मेरा क्षेत्र है मैं उसे यहाँ पे चुन लूंगा। लास्ट में मुझे इस कोड को फिल करना है, जो भी ये नंबर लिखे हुए हैं मुझे उसे यहाँ पे एंटर करना है, 89211। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने सर्च में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी डिटेल्स आ चुकी हैं, भूपेंद्र सिंह मेहरा, मेरा EPIC नंबर ये है। तो मैं अब व्यू डिटेल्स में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स में क्लिक करते ही देखिए मेरी वोटर आईडी की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, यानी मेरा डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो इसे प्रिंट करते ही आपने इसे अपने आसपास के वोटर आईडी ऑफिस या फिर तहसील में लेकर जाना है, और वहां से आपको एक नया वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस डुप्लीकेट वोटर आईडी का यूज सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए ही है, इसे आप ओरिजिनल वोटर आईडी की तरह यूज नहीं कर सकते, यानी वोट देने के लिए इसका यूज बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है, इस डुप्लीकेट वोटर आईडी को ले जाकर अपने आसपास के तहसील या फिर वोटर आईडी ऑफिस से ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड कैसे जनरेट करते हैं, उसे कैसे डाउनलोड करते हैं और उसका क्या यूज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वोटर आईडी से संबंधित और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पाने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोज हिंदी में और फ्री में देखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और इस चैनल के माध्यम से हम आपको एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हिंदी में जानकारी देते हैं, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। हमारे और वीडियोज देखने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट में जा सकते हैं, हमारे चैनल में जा सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक दिए रहेंगे, आप वहां से जाकर भी हमारे और वीडियोस को देख सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।